हाँ तो दोस्तों शीतल कुल प्रोडक्ट के शेयर होल्डर्स के लिए आज एक अच्छी अपडेट है तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये मुझे लगता है कि जिन लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और वो लोग अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे तो उनके लिए भी ये एक अच्छी अपडेट मुझे यहाँ पे ये लगती है तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर अपडेट ये है कि जो बी एस सी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर जो कंपनी अभी लिस्टेड थी तो ये कंपनी ट्वेंटी टू नवम्बर को यानी कि ये जो आने वाला ट्यूजडे है उस दिन ये कंपनी हमें मेन बोर्ड के ऊपर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी और बीएससी और एनएचसी दोनों के मेन बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर ये कंपनी पहले एस एम ई प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी लिस्टेड थी तो यहाँ पे लगभग आपके पास में ढाई से तीन लाख रुपये आपके पास में होने चाहिए तभी आप इन कंपनी के शेयर्स को बाय कर पाते थे क्योंकि यहाँ पे पूरा लॉट साइज के अंदर ये काम यहाँ पे

है ये कंपनी की वो भी हमें पे अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि तो पहले अगर आप देखोगे तो पांच छह रुपये ऊपर नीचे यहाँ पे बाय और सेल प्राइस होती थी तो पॉइंट इतनी अच्छी लिक्विडिटी हमें देखने को नहीं मिलती थी लेकिन अगर यहाँ पे अभी अगर लॉर्ड साइज वाला सिस्टम अगर बंद हो जाएगा तो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छी ये अच्छी बातें मुझे यहाँ पे नजर आती है तो देखिए अभी अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बी के मेन प्लेटफॉर्म से और जो बी का ऐसे भी प्लेटफॉर्म है उससे हमें मेन प्लेटफॉर्म पे आती हुई नजर आई थी और वहाँ पर हमने बहुत कंपनी देखी जिनका पी री रेटिंग भी हमने देखा है यानी कि जो उनका पी रेशियो है वो हमें पहले अगर बीस से पच्चीस के पी रेशियो पर अगर वो कंपनी ट्रेड हो रही थी तो उसके बाद में लगभग चालीस पचास के लगभग मार्केट उस पी रेशियो उसको लेके गया पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे डेफिनेटली अच्छी बात है और पहले क्या रहता है कि जब ये लॉर्ड साइज में में काम हो रहा होता है तो जब म्यूचुअल फंड जितना ज्यादा इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अब जब ये वन लॉट में अगर इनमें काम होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करने लग जाते हैं टू तो पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छी बातें यहाँ पे नजर आती है तो देखिए इस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस हमने ऑलरेडी बना रखा है लेकिन अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छी कंपनी नजर आती है कूल प्रोडक्ट्स वगैरह ये कंपनी बनाती है आइसक्रीम्स वगैरह और उसके अलावा थोड़े बहुत मिल्क वगैरह प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाने का काम करती है तो डेफिनेटली अभी काफी छोटे लेवल पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है काफी बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज्यादा है अभी बीच में थोड़ी रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से थोड़े इश्यूज हुए थे लेकिन अभी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो हमें नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आ रही है तो आने वाले टाइम पर जो मार्जिन के नंबर है वो भी हमें और ग्रोते हुए नजर आएंगे और अगर हम वैल्यूशन पैरामीटर्स पर अगर हम बात

में ग्रो होते नजर आ सकते हैं तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि शीतल कूल प्रोडक्ट के जो हमने के अपडेट के बारे में जो हमने आपको बताया है वो आपको अच्छी अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा ओके दोस्तों थैंक यू हैव अ नाइस डे